तो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास जो कक्षा 8वीं का जो विषय गणित का पेपर है, देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास पूरा पूरा जो पेपर है पूरा आ चुका है। सो गाइस यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन सहित। तो इस हर एक क्वेश्चन का आपको जो है आंसर मिलने वाला है। वही देख लीजिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को आपका जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा इस वीडियो में। देख लीजिए जो आपके क्वेश्चन है पूरे पूरे 24 क्वेश्चन है। सो गाइस 24 के 24 क्वेश्चनों के हम आंसर आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो देख लीजिए टोटल आपके 24 क्वेश्चन है। सो गाइस 24 के 24 क्वेश्चनों के आपके उत्तर हम इसी वीडियो में बताएंगे। सो गाइस चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस यार अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक 60 का रहने वाले प्रश्नों की संख्या 24। चलिए यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है शब्दों अंकों में भर देना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक। सो गाइस ये सब आप जानकारी भर देना, जैसे आप पिछले पेपरों में भरते रहे उसी तरह भर देना। फिर गाइस यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न पहला है जो आपका परिमेय संख्या का योज तत्समक है, योज तत्समक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर में क्या लिख देना आपको, शून्य। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए क्लास 8वीं मैथमेटिक्स पेपर डी सेट। यहाँ पर चलिए अब आपका जो है क्वेश्चन पहले के बाद दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर गाइस दूसरा क्वेश्चन है समीकरण 2x-3 = 7 का एक हल है। सो गाइस अगर x बराबर 5 रखेंगे तो गाइस जो है इस समीकरण का एक हल होगा। सो गाइस आपको x बराबर 5 राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर तीसरा आ जाता है रूट 400 का मान होगा, रूट 400 का मान 20 होगा। सो गाइस यहाँ पर रूट 400 अगर आप हल करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर फिर चौथा आ जाता है निम्न में से द्विविमीय 2D आकृति है, यहाँ पर वर्ग है, जो द्विविमीय आकृति हो जाएगी वो वर्ग हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए हमने उत्तर में भी लिख दिया, आपका टिक भी कर दिया। फिर गाइस पाँचवा आ जाता है 2 की घात -3 का मान होगा, क्या होगा, 1/8। सो गाइस आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/8। चलिए अब छठवा देख लेते हैं। सो गाइस यार अगर आपने जो वीडियो को लाइक नहीं किया यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो सभी क्वेश्चनों के आपको जो है उत्तर मिलने वाली है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए छठवां क्वेश्चन है 4p² - 9p² के गुणनखंड होंगे। तो इसका गुणनखंड होंगे, देख लीजिए उत्तर हो जाएगा 2p - 3q, फिर कोष्टक बंद, यहाँ पर कोष्टक चालू हो जाएगा, फिर 2p + 3q। सो गाइस ये आपका जो आंसर हो जाएगा, देख लीजिए हमने उत्तर में लिख दिया आपके। सो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गाइस यहाँ पर आ जाता है सातवां घन में फलकों की संख्या होती है, घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। सो गाइस ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर गाइस आठवां आ जाता है 1 पांसे को 1 बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रायिकता है, कितनी होती है, 1/6 होती है। सो गाइस आपका आठवां का उत्तर हो जाएगा 1/6। फिर गाइस नौवां आ जाता है 1 समबाहुभुज का बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या होगी कितनी, होगी 6 होगी। सो इस यहाँ पर नौवें का जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप दसवां देख लीजिए फटाफट। सो इस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपके संस्कृत का पेपर है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो इस जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दसवां क्वेश्चन है 15x²y²z² / 45xyz का मान होगा, कितना होगा, 1/3xyz। सो गाइस ये आपका उत्तर हो जाएगा 1/3xyz। सो गाइस ये आपका दसवां का उत्तर हो जाएगा। फिर गाइस आप किया जाते हैं आप प्रश्न उत्तर। सो ये देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक। यहाँ पर देख लीजिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, चलिए इनको हल कर लेते हैं, हमने हल कर लिया। देख लीजिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है व्यतिरिक्तता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर आपको इस समीकरण को हल करना व्यतिरिक्तता के उपयोग से। तो वही देख लीजिए हमने हल कर दिया, आप जल्दी से हल कर लीजिए। इसका जो आंसर आ जाएगा 7/30 आ जाएगा। सो गाइस आपको ए लाइन लिख देनी, फिर ए। सो गाइस ये आपका 7/30 आ जाएगा। अगर आप इसी तरह आप हल कर लेना, क्योंकि बिल्कुल सरल तरीके से हल किया गया है। फिर गाइस यहाँ पर 12वां है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपको ये समीकरण दिया हुआ है इसमें जो एक्स है इसका मान ज्ञात करना है। सो गाइस देख लीजिए आपका एक्स का मान कैसे आएगा, आपको जो समीकरण है हल करते जाना है। सो गाइस यहाँ पर आपका जो है एक्स का मान 2 आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर जैसे हमने हल कर दिया आपको भी इसी तरह हल कर देना है। सो गाइस आपका जो मान आ जाएगा तो एक्स बराबर 2 आ जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर 13वां आ जाता है 13 14 मीटर ऊँची एक बिजली खंभे की छाया 10 मीटर है, समान स्थिति में उस पेड़ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर आपको यहाँ अनुक्रमानुपाती हो जाते जो पेड़ की ऊंचाई और छाया की लंबाई। सो गाइस यहाँ पर परस्पर अनुक्रमानुपाती हो जाती है। सो गाइस आपका जो आंसर हो जाए आ जाएगा एक्स बराबर 21 मीटर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा एक्स बराबर 21 मीटर। सो गाइस आपको इसी तरह हल कर देना।
चलिए आप 14वां देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन हो प्राप्त हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, आपको पहले तो इसे फिर पूरा पूरा जो है इसका आंसर ऐसा कर देना जैसे हमने कर दिया है इसका, फिर आपको लिख देना आता है 9 से भाग देने पर घन बन जाएगी। सो गाइस यहाँ पर आपका 9 से भाग दे देंगे तो गाइस आपको एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। सो गाइस आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15वां आ जाता है, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणे 54 सेंटीमीटर गुणे 33 सेंटीमीटर है, इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, आपको घनाभ का आयतन हो जाएगा एल गुणे बी गुणे एच। सो गाइस ये आपका सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 450 आ जाएगा। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर गाइस फिर 16वां आ जाता है, 16वां दी गई आकृति आर ओ आर एस एक आयत है जिसमें ओ पी, यहाँ पर ओ पी हो जाएगी 2x + 4 2x + 4 और ओ एस, ओ एस हो जाएगा 3x + 1 3x + 1 हो जाएगा, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। सो गाइस चलिए यहाँ पर देख लीजिए, x का मान जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट गाइस आपको 17वां, यहाँ पर देख लीजिए 17वां क्वेश्चन है, 15000 अंकित मूल अंकित वाली जो 15000 रुपये में अंकित वाली एक मेज 14400 रुपये में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। देख लीजिए अंकित मूल आपका हो जाएगा 15000 और विक्रय मूल आपका जो सूत्र हो जाएगा बट्टा बराबर अंकित मूल माइनस विक्रय मूल, और अंकित मूल आपका 15000 और माइनस माइनस फिर यहाँ पर 14400 आपका विक्रय मूल हो जाएगा। सो 600 आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपको बट्टा प्रतिशत का सूत्र रख लेना। सो गाइस 4% आपका बट्टा प्रतिशत आ जाएगा। सो गाइस देख लीजिए जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गाइस 18वां आ जाता है, 18वां में आपको वाई बराबर -2 रख देना, जो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें वाई बराबर -2 रख देंगे तो गाइस आपका जो आंसर आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो गाइस इस तरह जो आपका 18वां का आंसर 21 आ जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर 19वां में आपको हल करना है इस समीकरण को, तो गाइस आपको दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर देना, जो ये दोनों पक्ष दिए हुए हैं इसमें 6 का गुणा कर देंगे। फिर गाइस जैसे हमने हल कर दिया आपको भी इसी तरह हल कर देना, तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा -5/11। सो गाइस ये आपका 19वां का आंसर हो जाएगा। फिर गाइस 20वां आ जाता है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, जो अनुपात में ये संख्या दी हुई है इसको आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको अगर बटे में कर देंगे जो है प्रतिशत में बदलेंगे तो 3/4 × 100 हो जाएगा। सो गाइस इसका 75% आ जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर 2/3 को भी इसी तरह कर देना है, 2/3 2/3 को जो प्रतिशत में बदलेंगे तो हो जाएगा 2/3 × 100। सो गाइस आपका 66 सही 2/3% आ जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर 21वां क्वेश्चन यानी आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न 21 से 24 तक, यहाँ पर देख लीजिए निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। सो गाइस ये रहे आपके जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5-5 अंक वाले क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आ रहा है। सो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, सो गाइस इनके जो है 4 क्वेश्चन आपके रहेगा 21वां 22वां 23वां 24वां, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करके बताए जाएंगे। सो गाइस ये रहा आपका 22वां और ये रहा आपका 23वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। सो गाइस यहाँ पर ये आपका जो है 23वां हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है यहाँ पर ये रहा आपका 24वां, सो गाइस ये रहा आपका 24वां, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाना है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो ये तालिका दी हुई है आपको, इसमें पुरुषों की संख्या दी हुई है, स्त्रियों की संख्या। सो गाइस ये आपको जो है हल करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि आपको किस तरह हल करना है। सो गाइस आप अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो में है 21वां 22वां 23वां 24वां क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।